मीडिया और फोटोग्राफर जो यहाँ मौजूद है उनका मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते और जो मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं जम्मू में इसलिए आया हूँ कि जम्मू में अभी अधिकारियों की साथ मीटिंग हुई है, इसके लिए अभी थोड़ा सा हम लेट हो गए। तो हमारे मंत्रालय की जो स्कीम है, जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसका 2021-22 का बजट 1,29,329 करोड़ का है। और हमारे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, अभिजयंती, DNT, OBC, ओल्ड एज के लोग, दिव्यांगजन लोग, नशा करने वाले लोग, तो ये सब उसमें आते हैं। जो 85% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये मंत्रालय सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने की भूमिका रखता है। अलग अलग स्कीम हमारी है, NSFDC है, वेंचर कैपिटल फंड है, उसके माध्यम से हम लोगों को मदद करते हैं। और हमारा शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, सफाई मजदूरों का कमीशन है, OBC का कमीशन है, दिव्यांगजनों के लिए भी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मतलब हमारा मंत्रालय सबके लिए काम करता है। अभी मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे मंत्रालय की जो योजनाएं है उसमें ओल्ड एज होम है, उसके साथ साथ मतलब हॉस्टल है, आश्रम स्कूल है, नशा मुक्ति के केंद्र है, वैसे अलग अलग जो हमारे मंत्रालय की स्कीम है, स्कीम के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारी भूमिका है। जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने मतलब 370 कलम हटाने का निर्णय से ले लिया कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में प्यार था, हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर पूरा विश्वास रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, बुद्धिस्ट हो, तो मतलब सभी के लिए हम काम करते हैं। और 370 कलम रहने से अलगतावादी शक्तियों को ताकत मिली थी कि हम जम्मू कश्मीर, हम भारत का विभाज्य घटक है या नहीं है, इसके संबंध में थोड़ा संभ्रम पैदा होता था। तो 370 कलम हटाने के बाद अभी यहाँ इंडिया का तिरंगा झंडा लग रहा है। मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ कि इसके पहले मैं इधर आया हूँ, लेकिन मुझे तिरंगा झंडा देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अभी जगह जगह पर भारत का तिरंगा झंडा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी 370 कलम के लिए किसका भी विरोध भी है, लेकिन सरकार की भूमिका ये है कि हमें जम्मू कश्मीर का विकास करना है, जम्मू कश्मीर में उद्योगों को लाना है, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को रोजगार देना है, जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाने वाले नौजवान लोग हैं उनको रोकना है और आतंकवाद को पूरा खत्म करना है। यहाँ हमें शांति चाहिए, अगर यहाँ पर विकास करना है तो शांति की आवश्यकता है। रोज यहाँ फायरिंग हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, चाहे वो आतंकवादी मरना हो या हमारे पुलिसकर्मी है, BSF वाले, आर्मी वाले हैं, तो ये अपने देश के लोगों को हम ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब ये आतंकवादी एक्टिविटीज में जाने वाले नौजवानों को हमारा ऐलान है, उनको सुझाव है कि भाई आप मेन शिप में आइए और आप इसी तरह की एक्टिविटीज में जाकर अपने जम्मू कश्मीर का नुकसान मत करिए। इसी तरह अभी थोड़ा जम्मू में शांति नज़र आ रही है, कश्मीर में भी मतलब कभी कभी गड़बड़ होती है, लेकिन जब से 370 कलम हटाया गया है, 135A कलम हटाया गया है, तब से मतलब यहाँ की स्थिति अच्छी है। अभी एकदम तो पूरा योजना इधर आएगी नहीं, लेकिन सरकार की भूमिका ये है कि यहाँ रोड है, रेलवे है, यहाँ उद्योग में बढ़ोतरी है, यहाँ मतलब इरिगेशन में बढ़ोतरी है, इसी तरह मतलब यहाँ का किसान है, खेत मजदूर है, कैजुअली लेबर है यहाँ काफ़ी, तो कैजुअली लेबर को भी परमानेंट करने के बारे में भी मतलब जगह जगह पर विचार होना चाहिए, उसके लिए भी मतलब कोशिश हम करेंगे। इसी तरह मतलब हमारे मंत्रालय की ज़्यादा से ज़्यादा योजना जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश करने के लिए, वादा करने के लिए, आश्वासन देने के लिए मैं इधर आया हूँ। मैं अगली बार आऊँगा तो मैं 2 दिन में ही आऊँगा और यहाँ हर डिपार्टमेंट के साथ मैं चर्चा करूँगा। मेरे मंत्रालय की पूरी योजना ये कहाँ कहाँ देनी है इसके बारे में प्लान बनाऊँगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि हम सब लोगों ने जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए,
आगे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनकी क्या समस्या है वो सुनकर उनको मदद करनी चाहिए, ये हमारी सरकार की भूमिका है। और इसीलिए मतलब मैं इधर आया हूँ। मैं 6 तारीख को हमारे होम डिपार्टमेंट ने मुझे बांडीपुरा जो कश्मीर में जिला है तो वहाँ मुझे जाने के लिए मुझे आदेश दे दिया है। उसी तरह मैं श्रीनगर आकर वहाँ जाने वाला हूँ, वहाँ लोगों से बात करने वाला हूँ। वहाँ जो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम रखा है उसको मैं अटेंड करने वाला हूँ। और इसी तरह मतलब सब प्रोग्राम हमें अच्छी तरह करना है। बाकी जो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरू की थी, बैंक में अकाउंट खुलने का जो निर्णय था तो 2014 में निर्णय हुआ था। तो अभी तक 43 करोड़ 22 लाख 22,000 कितने लोगों के देश भर में अकाउंट खुले हैं। और जम्मू कश्मीर में 8,62,000 कितने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये मुद्रा योजना है 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक।